हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और पूजा किचन्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ सूजी बाइट्स, सूजी एक कप सूजी से इतना टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि आप सोचेंगे कि एक कप सूजी में इतना टेस्टी नाश्ता कैसे बन सकता है। और रियल में ये जितना देखने में टेस्टी लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी है, और ये उतने ही जैसे बाहर के स्टार्टर्स होते हैं एज इट इज़ वैसे ही करारे बने हैं। ये आप सुन सकते हैं इसकी वॉइस। तो चलिए जल्दी से देरी ना करते हुए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा हल्का गर्म होते ही उसमें हम डाल देंगे लहसुन की कलियाँ, उनको मैंने ग्रेट कर लिया था। और इन्हें हमें ना कलर चेंज नहीं करना है इसका, सिर्फ हमें इसका सौंधापन सा, मतलब इसमें जो कच्ची स्मेल होती है वो उसे ख़त्म करनी है। अब इसको हल्का फ्राई करने के बाद यहाँ मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। कोई भी आप बर्तन से जिसका मेजरमेंट करेंगे आप उसी से ही उस डिश को बनाना। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी के साथ, और अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और सॉल्ट मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने सूजी का यूज़ किया है, मैंने यहाँ पर बारीक सूजी का यूज़ किया है, और 1 कप ही सूजी हम इसमें डालेंगे। 1 कप पानी तो 1 कप सूजी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद ये थिक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े आलू लिए थे, आलूओं को मैंने अच्छे से मैश करके इसमें डाल दिया है। इसको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने स्पैचुला की हेल्प से इसके साथ ऐड अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे हम इसको हल्का सा ठंडा करेंगे जिससे कि हम इसको हाथ से गूंद सकें। अब ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, हरा धनिया ऐड करूँगी जो मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ग्रीन चिली खाते हैं। आप छोटे बच्चे हो तो खाते नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा ग्रीन चिली का इसमें यूज़ नहीं किया। और यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ मैंने फ्लेवर के लिए डाल दिया है। अब यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 बड़े चम्मच इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ये देखिए, मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। और अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मोज़रेला चीज़ मेरे घर में पड़ी थी तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। आप चाहे तो इसे बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन इन सब चीज़ों से टेस्ट बहुत ज़्यादा और अच्छा, मतलब मार्केट जैसा आएगा, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। और मैंने हल्का सा हाथों में ऑयल लगा के इसको बाइंड कर लिया है। ये देखिए, ये जैसे आटा हम गूंथते हैं वैसे बिल्कुल हो चुका है, ये दिखा रही हूँ मैं आपको। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ना मैंने 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। तो मैंने, ये देखिए, 8 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड कर लिया था। तो आप देख लीजिए 1 कप सूजी से हम कितना सारा टेस्टी नाश्ता बना रहे हैं। ये मैंने अब हम यहाँ पर एक रोलिंग बोर्ड ले लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और इसको हम क्या करेंगे, शेप दे देंगे। आप जिस शेप में बनाना चाहते हैं आप उस शेप में इसे बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैंने शेप दी आप ऐसे ही शेप दें, आप गोल भी दे सकते हैं, आप जैसे दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब मैंने यहाँ पर नाइफ़ में हल्का सा मैदा लगा दिया था और इसको मैंने कट कर दिया है। ये मेरा सिलेंडर शेप में बना रही हूँ यहाँ पर। तो आप ये देखिए, मैंने इसको हाथ से दबा दबा के शेप दे दी है। आप कोई भी शेप में इसे बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको इंस्टेंट की जगह अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर भी करके रख सकते हैं। और जब आपके गेस्ट आएँ तो आप इसको तब फ्राई करके, जैसे कि आप मकेन्स वगैरह बनाते हैं मार्केट के, आप इसे ऐसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एज इट इज़ इसको बिल्कुल ऐसे ही सारे जितने भी थे सबको ऐसे तैयार कर लिया था। और ये देखिए, 1 कप सूजी से
मैंने कितने सारे सूजी बाइट्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख लिया था। ऑयल हमें बहुत ज़्यादा तेज और बहुत ज़्यादा हल्का भी गर्म नहीं करना, क्योंकि अगर हल्का करेंगे तो जो हमारे सूजी बाइट्स है वो ऑयल पी लेंगे और मतलब उसके अंदर ऑयल भर जाएगा। तो हमें हल्का मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। इसको हमें ऐसे फ्राई करना है कि अंदर तक फ्राई हो जाए। और आप बिलीव करेंगे, ये बिल्कुल मार्केट में जो नगेट्स मिलते हैं वो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, बिल्कुल एज इट इज लगते हैं। और आप बहुत ही कम सामान के साथ और बहुत कम खर्चे में आप इतनी अच्छी और टेस्टी रेसिपी घर में तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर आप इसको ट्राई करना। ये बाकी बचे हुए भी मैंने फ्राई कर लिए थे ऐसे ही। तो गाइस, ये मैंने ऐसे इसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया था और इनको मैंने एक पेपर टॉवल पे निकाल लिया था जिससे इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए। तो गाइस, अगर आपको ये सूजी बाइट की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। और जो लोग चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।